जैस संगठन का धरना आंदोलन जारी। पीएचई विभाग में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए जैस संगठन द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नल जल योजना के तहत गांव-गांव पानी पहुंचाने के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जेएस में आक्रोश दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने और ठोस कार्यवाही करने की मांग की गई। बताया गया कि योजनाएं धरातल पर हितग्राहियों तक नहीं पहुंची, करोड़ों रुपए का कामकाज कागजों पर होने का आरोप जेएस ने लगाया। पुराने कलेक्टर के सामने लगातार चौथे दिन भी आज अनिश्चितकालीन धरना मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में पीएचई विभाग ने 400 करोड़ रुपए का लगभग घोटाला किया है और इस घोटाले के खिलाफ हमने ये आंदोलन जेएस के नेतृत्व में धरना दिया है और सरकार जब तक पीएचई विभाग के भ्रष्टाचारी अधिकारियों ठेकेदारों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई सख्त कार्रवाई नहीं करती ये आंदोलन ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम सरकार के ऊपर शिवराज सिंह चौहान सरकार के ऊपर सीधा आरोप लगाते हैं कि यह भ्रष्टाचार सिर्फ बड़वानी जिले के 400 करोड़ का मामला नहीं है, पूरे प्रदेश में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार हुआ है। किसी भी गांव में इन्होंने नल जल योजना के तहत पानी नहीं पहुंचाया है। आज हमारे मनावर विधानसभा, धार जिला, बड़वानी जिला, खरगोन जिला सब जगह देख रहे हैं कि जल जीवन मिशन के तहत योजना तो बहुत अच्छी है लेकिन योजना गरीबों तक नहीं पहुंची, हितग्राहियों तक नहीं पहुंची। करोड़ों रुपए का काम इन्होंने कागजों पर पूर्ण दिखा दिए लेकिन जमीन हकीकत को से दूर है। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जेएस ने कमर कस ली है। 80 सीटों पर उम्मीदवार उतरेंगे। कांग्रेस और जेएस को लेकर क्या बोले जेएस नेता, कैसी रहेगी रणनीति, इस पर विधायक हीरालाल अलावा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 2023 के चुनाव को लेकर जेएस की क्या समझ? जेएस मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के राजनीति को बदलने के लिए, अभी तक आदिवासी समाज में राजा का बेटा राजा ही बनेगा वही कंसेप्ट चला आ रहा है लेकिन जेएस ने प्रदेश के ऐसे नए युवा जो पढ़े लिखे हैं, जो अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान रखते हैं और आदिवासियों की आवाज विधानसभा में दबंगई के साथ डंके की चोट पर उठा सकते हैं, ऐसे युवाओं को विधानसभा में भेजने की तैयारी कर रहा है। हमने प्रदेश में लगभग 80 विधानसभा सीटों पर नए युवाओं को नेतृत्व देने के लिए कमर कस ली है और हम लगभग 80 विधानसभा जिसमें 47 आरक्षित सीटें हैं और बाकी सामान्य सीटें हैं जिसमें नए युवाओं को मौका देने जा रहे हैं। आप कांग्रेस लड़ेंगे? देखिए, हमारा संगठन जेएस किसी पार्टी का संगठन नहीं है, जेएस एक स्वतंत्र वैचारिक क्रांतिकारी संगठन है और हमारा संगठन लोकतांत्रिक तरीके से सार्वजनिक रूप से निर्णय लेता है और जिसमें संगठन का निर्णय सर्वोपरि निर्णय होगा, जो संगठन तय करेगा हम उसके साथ। आपने भी कांग्रेस से ही टिकट लगा था और आज विधायक है, देखिए जयेश का कोई विरोध भी था, जयेश हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने में विश्वास रखता आया है और विधानसभा में कांग्रेस के टिकट से जरूर पहुंचा हूं लेकिन जो मुद्दे की लड़ाई जो लड़ना चाहिए थी, चाहे पांचवी अनुसूची की बात हो, छठवीं अनुसूची की बात हो, मध्य प्रदेश में पेशा कानून लागू करवाने की बात हो, ये हमने विधानसभा में करके दिखाया है तो निश्चित ही हमारी इस लोकतांत्रिक लड़ाई में, संवैधानिक लड़ाई में पूरा संगठन आज साथ में है और जयेश के जो मुद्दे थे उन मुद्दों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से टिकट जरूर दिया लेकिन हमारे मुद्दों की लड़ाई से हम कभी पीछे नहीं हटे और आगे भी लड़ते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट।